Hello guys, good morning, and it's a very sunny day and we are starting a day from the Royal Enfield Service Center. And yes, I am maintaining my bike, just cleaning the chain and stuff, because I don't want anything to go wrong on 14th, because we are leaving for Delhi and they are just lubing my chain. I'll just show you in a minute. Literally speaking, I know it's a service center, but service center mein maine itna rush pehle nahi dekha. You can see there are so many Enfields standing at my back, and there are many more coming. So it's a tough job. And yes guys, I have something special today, because I'll be asking the Enfield owners that how did they felt about after seeing the Bajaj ad that they called indirectly Enfield an elephant. So let's ask them. A few moments later. Hello guys, I'm back, and now I'm with the Enfield gang. As you can see, I have so many Enfield lovers around me. So we'll be starting with can you introduce yourself, please? Vishal. Yeah, he's Vishal, and he's an Himalayan rider. So aapne ad dekha jo bhi Royal Enfield ka inhone wo kiya hathi bataya, so aapke kya views hai? वैसे तो जो ये हमारी बाइक है हिमालयन जो मैं चला रहा हूँ पिछले एक साल से, ये काफ़ी हार्ड चलती है एज कम्पेयर टू, मतलब जो हमने सोचा था कि जैसा स्मूथली ये ड्राइव करेंगे इसको और लेके जाएंगे तो भाई इजी टू हैंडल होगी बाइक, थोड़ा टफ है इसको हैंडल करना। बाकी पिकअप में अच्छी है, इसमें जो आयरन यूज हुआ उस पर मैं खुश हूँ, और बाकी एवरेज वगैरह में भी बाइक सो है। ओके, वो तो आपका हिमालयन के बारे में रिव्यू हो गया, बट जो इन्होंने हिमालयन को डोमिनार से कंपेयर किया, डू यू थिंक डोमिनार स्टैंड्स आउट? अब आपस में कंपैरिजन, हमने डोमिनार मैंने कभी चलाई नहीं है, इसलिए मैं इस बार मैं आपको बताने से बता दी। डोमिनार इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइन में डिफरेंस है, इसके जो बेसिकली प्लास्टिक इंजन है और जो बॉडी है सब में डिफरेंस है। तो इसमें अब देखना पड़ेगा, चलाएंगे तो पता लगेगा कि डोमिनार बेस्ट है इससे हिमालयन या फिर व्हाटएवर जो इनफील्ड है, या फिर जो है अच्छी है या बुरी है, देखना पड़ेगा। तो थैंक यू। He is Mr. Nipun and he rides an Thunderbird 350. So he'll be telling you that, because right now we were sitting in a launch and that ad came and everyone saw that. So now he'll be telling that what he thinks, that is Dominar better than RE, because they are trying to prove that Dominar is better than RE, right? So let's see his opinion, that what he has to say. So sir, but I'm not sure about whether it's better or not. I just want to say hathi chale bazaar kutte bhoke hazar, hathi keh rahe hain theek hai, kehne do yaar koi baat nahi, apna hathi theek hai, but best hai yaar RE, apne liye to best hai, apan ne khareedi hai apni mehnat se khareedi hai, to मैं कंपेयर नहीं करूंगा यार। फक स्पोर्ट्स बाइक या जो भी बाइक उनको कहते हैं, मैं केयर नहीं करता, मैं थंडरबर्ड चलाता हूं, अपनी शान पे चलाते हैं भाई, अपने लिए वही है। सो दैट वाज ग्रेट हियरिंग फ्रॉम मिस्टर निपुण। सो नाउ आई विल बी मूविंग टू सम मोर पीपल, सो लेट्स गो। राइट नाउ आई एम विद माय राइडर ब्रदर गुलशन, एंड ही आल्सो राइड्स एन RE 350। सो आपका क्या थॉट है वर्सेस डोमिनार और हाथी, विद दे आर सेइंग हाथी? So मैं डोमिनार ही नहीं देखी अभी तक। अब मैं इसे कंपैरिजन कैसे करूँ, ये है कि क्लासे एकदम बेस्ट है, कंफर्ट है और कूलिंग बाइक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, और कोई बाइक है ही नहीं इसके मुकाबले में। डोमिनार तो मैंने कभी देखी नहीं, बस ये है सुना है कि उसको डोमिनार जब भी अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, उसमें ये बोला गया है कि ये हाथी है रॉयल एनफील्ड, डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोला, पर मैंने आपको डोमिनार ही देखी बाइक, इसलिए मेरे को तो भाई अपनी रॉयल एनफील्ड डर लगती है। थैंक यू। सो गाइज, बेसिकली एवरी वन ओवर हियर इज अ एनफील्ड लवर, एंड द फोर पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, एवरी वन इज कन्फेसिंग दैट यस, दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स आर देयर, बट व्हेन यू बाय अ बाइक, एवरी बाइक हैज अ सर्टन प्रॉब्लम गाइज, एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इज परफेक्ट, ऑलराइट, यू नीड टू मेक दैट परफेक्ट।
A few moments later. So hello guys, and I hope you like that comparison, and I hope you like this video. And yes guys, telling you that I have been working very much on some new projects, so I'm not getting time to upload the video, so I'm very sorry, and I'm extremely sorry for that guys. And one thing I want to tell you guys, anything you want to see on my channel, please just comment down below. I will make sure that I'll fulfill your needs, okay? Just comment down below and I'll make sure that I'll do that. And yeah, as you can see, still working on some scripts and all. And yeah, coming out with awesome content very soon. And yes guys, those who guys don't know that I'm leaving for Delhi on the 14th for some YouTube meetup. So, Delhi wale ho, aa rahe hain. So we'll meet. Until next time, signing off. Peace out. And yes guys, before leaving, please take this video positively and do let me know in the comment section your views about Dominar and the Enfield. So guys, until next time, signing off. Peace out.